हेलो दोस्तों, मैं सौरव कुमार सिंह और जिस विषय की हम चर्चा लगातार आपसे कर रहे हैं वो विषय है सचिवालय सहायक की परीक्षा के संदर्भ में साथियों। और आज लगातार सुर्खियों में जिस बात की हम चर्चा आपसे सुबह में भी किए थे कि आज पीआईएल की सुनवाई होनी है और पीआईएल की सुनवाई का जो खेल जो चल रहा है कोर्ट में उसका पूरा, हम लोग तो कोर्ट के कचहरी के बारे में जानते थे कि जो भी न्याय के संबंधी चीज़ें होती है वो कोर्ट द्वारा हो जाएंगे, परंतु जो मेरा अनुभव है वर्षों से छात्र राजनीति का और जो लगातार कोर्ट कचहरी का, वो यही है कि न्याय मिलती है परंतु देर से मिलती है। परंतु सचिवालय सहायक के परीक्षा के संदर्भ में मुझे क्या कहना है, ये बात स्पष्ट हो गया है कि कोर्ट में लगातार ये 10वीं सुनवाई है पीआईएल की और लगातार उनको तारीख मिल रही है। पिछली जो 10 अगस्त को सुनवाई हुई थी उसमें जो पिटिशनर थी प्रिया कुमारी, उसके तरफ से कहा गया था कि हमको समय चाहिए, फिर उसके बाद उसको समय मिल गया आज यानी 25 अगस्त को, उसके बाद फिर उनको समय मिल गया 5 सितंबर को। तो भाई क्या चल रहा है भाई, ये खेल सचिवालय सहायक का, जो सचिवालय सहायक बिहार कर्मचारी चयन आयोग और आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो कौन सा खेल खेल रही है? वही खेल ना जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आप रिजल्ट निकाल दीजिए, फिर आप कोर्ट में कहेंगे कि हम तो रिजल्ट निकाल दिए, पीटी का रिजल्ट निकाल दिया, मेंस का रिजल्ट निकाल दीजिए, तो महोदय महोदय हम लोग को छोड़ दिया जाए। उस बात की चर्चा क्यों नहीं करते हैं आप? अगर माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हम लोग गए हैं, छात्रवृत्ति गए हैं, तो सीधी सीधी लड़ाई लड़ लीजिए आप। लड़ाई किस बात को लेकर है? लड़ाई इस बात को लेकर है कि आपने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि बीएस कॉलेज दानापुर से प्रश्न पत्र लिख हुए रूम नंबर 7 से, इसका जवाब कौन देगा? क्या माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जो कोर्ट के जो मामले हैं, रीट के मामले हैं, उसकी सुनवाई नहीं होनी है क्या? तो रीट की सुनवाई और पीआईएल की सुनवाई एक दूसरे से चल रहा है कि पहले चीफ जस्टिस के बेंच में मामला है पीआईएल का, तो रीट की सुनवाई होनी है तो उसको देख लिया जाए, फिर आगे का जो मामला है उसको देख लिया जाए। तो साथियों, अब हम लोगों के पास कौन सा ऑप्शन है, कहाँ पर जाएँ? आप सचिवालय सहायक में 9 लाख परीक्षार्थी हैं और 2000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आई है और नियुक्ति होनी है। तो अगर आपकी मंशा, सरकार की मंशा अगर रहती, स्पष्ट रहती कि हम निश्चित रूप से निष्पक्ष होकर हम परीक्षा तैयारी कराएंगे, परीक्षा लेंगे, कंडक्ट कराएंगे, तो सीधे सामने आ जाती बातें। परंतु देश की प्रथम पाली के प्रश्न पत्र लिखे ही थे सिर्फ, क्या देश के दूसरी पाली के नहीं थे? 24 वाली परीक्षा जो दिसंबर को ही उसमें नहीं थे, तो जो ओवरऑल कहा जाए तो मात्र 2600 रिजल्ट जो हुई देश की प्रथम पाली की, दोबारा जो परीक्षा 5 मार्च को आयोजित हुई उसमें 2600 रिजल्ट क्यों हुए? और दोनों पाली 23 की प्रथम और 23 की दूसरी और 24 वाली जो परीक्षा मिलाकर 9500 रिजल्ट है। तो आप स्पष्ट पूरे बिंदु पर चर्चा करेंगे तो क्या है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि 5 मार्च को परीक्षा हुई बिल्कुल फेयर एग्जाम हुई। और अभी एक नोटिस भी निकाले थे कि कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं मेंस के बारे में बता रहे, तो मेंस की परीक्षा बिल्कुल साफ सुथरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर किसी ने अफवाह उड़ाया है, किसी यूट्यूब चैनल ने या कोई किसी पत्रकार ने, तो ठोस से ठोस कार्रवाई कीजिए उसके खिलाफ। परंतु जो कोर्ट में मामला चल रहा है उसके जो बिंदु है, हमने अपने लॉयर से भी बात किया, बातचीत नहीं हो पाई, परंतु जो चीज़ें आपको हम बता रहे हैं कि 5 सितंबर का डेट मिला है तो क्यों मिला है? क्योंकि लगातार पीआईएल जो करवाया गया, कौन है प्रिया कुमारी? हम लोग जो पहले पता चला कि प्रिया कुमारी कोई है, जैसे प्रिया कुमारी कोई है तो वो सामने क्यों नहीं आती? क्या पिटिशनर को हमको कोई कहेगा कि समय मिलना चाहिए? बिल्कुल समय नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए समय? अगर छात्रों अभ्यर्थियों के पास अगर ये चीज़ें हैं, बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं कि कोर्ट संबंधी चीज़ों पर छात्रों अभ्यर्थियों का रिजल्ट क्यों नहीं निकाला गया, अगर रिजल्ट आप निकालना चाहते हो रिजल्ट निकाल दीजिए, परंतु इस तरह से गुमराह करके चीज़ों को मत रखिए। हम लोग उच्च न्यायालय इसलिए गए, और माननीय मंदुरेंद्र प्रसाद जी का भी ट्रांसफर हो चुका है कोलकाता हाईकोर्ट में। तो जब हाईकोर्ट में आपका ट्रांसफर हो चुका है और जो पीआईएल का मामला है चीफ जस्टिस के बेंच में चल रहा है, तो फिर आप तो फिर सुनवाई करेंगे नहीं रिट के मामले में। फिर रिट का मामला आएगा तो फिर कहेंगे कि आज क्या होने वाला था, रिट के मामले और पीआईएल के मामले को मर्ज होने की बात की गई थी, परंतु पिछले जो बातें हुई थी उसमें हमारे लॉयर कह रहे थे कि जो मामला है चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि पीआईएल का मामला नहीं है, रिट का मामला है। तो जब हम लोगों ने रिट किया, रिट के दो दो मामले हैं, 2376 अश्वनी कुमार, 5502 मेरा मामला, तो आप दोनों चीज़ों को देख रहे हैं। परंतु अभी चीज़ें अब बिल्कुल मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वो सड़क पर ही नहीं, कोर्ट में सब जगह से विद्यार्थियों को हार का सामना करना पड़ सकता है। कहाँ पर, किसके पास लड़े? बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाइए। अरे सुप्रीम कोर्ट क्या जाए, हम तो हाई कोर्ट में आने के पहले आप लोग से लड़े 15 दिन 20 दिन 1 लाख रुपए जमा करने के लिए। हम लोग लगता है रोज गाली गलौज हमको देना सुनना पड़ा। क्यों? क्योंकि लड़ाई हम मेरा ही परीक्षा है, हम ही लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके कोई लड़ाई नहीं है। आपकी नहीं लड़ाई है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कीजिए।
आप कीजिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी, अगर है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, हम तो कोर्ट में भेज बुलाते हैं लोगों की, आप लोग आइए, पिटिशनर बनने का दूर खैर, आप यहाँ भी नहीं आ रहे हैं। लगभग 10 सुनवाई हो चुकी है और अभी तक आप लोग कम से कम 15-20 साथी जो पुराने साथी थे जो सचिवालय साहब के प्रोटेस्ट में शामिल होते थे वही लोग आते थे, परंतु ये लड़ाई छात्रों अभ्यर्थियों की है और सरकार से किस प्रकार से लड़नी है, व्यवस्था से किस प्रकार से लड़नी है, भ्रष्टाचार का चरम सीमा है उस पर किस प्रकार से लड़ना है ये सबको पता है। जब कोर्ट में जब इस तरह की चीज़ें होंगी और हलफनामा क्या तैयार किया गया था कि आपकी जो चारों पेज की है कि लिपापोती का प्रयास किया गया, पटना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि हम चार वीक्षक पर कार्रवाई जो है आर्थिक अपराध इकाई अपने तरफ से करें और आर्थिक अपराध इकाई का जो है सचिवालय सहायक की जो आयोग है बिहार कर्मचारी चयन आयोग उसके तरफ, तो ये फेंका फेंके का खेल चल रहा है कि तुम कर दो तो तुम कर दो तो हम नहीं कर पाएंगे। जब आप चार वीक्षक पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं स्पष्ट है तो क्या सरगना तक आप पहुँच पाएंगे भाई। और देश के तमाम राज्यों में पेपर लीक हो रहा है और उसका मुख्य सरगना कौन है, उसका मुख्य सरगना बिहार का है, आप देखिए ना। दैनिक भास्कर एक न्यूज़पेपर रोज एक आर्टिकल निकाल रहा है कि देश के तमाम राज्यों में प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं और उसका सरगना जो है बिहार से है, यानी जितने भी परीक्षाएं में धांधली हो रही है उसका एक पेज लगभग रोज न्यूज निकल रहा है दैनिक भास्कर। हम दैनिक भास्कर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस मामले को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया और दिखा रहे हैं। अभी चीज़ों को आप एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। आप अगर चाहते नहीं हैं लड़ना तो ठीक है, छात्र अभ्यर्थियों की लड़ाई है, ठीक है, कोई ना कोई लड़ेगा, पर तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद कितना पैसा खर्च होगा, क्या होगा, कितना समय लगेगा, तो कौन सा तैयारी है, कौन लोग तैयार हैं इसके लिए? इसलिए अब जो बातें हैं वो यही है कि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करेंगे, माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करेंगे, उसके बाद देखेंगे। ना वो फैसला कर रहे हैं, ना केस डिसमिस कर रहे हैं, ना कोई फैसला कर रहे हैं और लगातार मामले को लटका कर रखे हुए हैं। तो हम लोगों का पूरा उम्मीद है, पूरे इत्मीनान के साथ कि माननीय उच्च न्यायालय निश्चित रूप से छात्रों के हक में फैसला होगा, परंतु ये जो खेल चल रहा है कोर्ट में ये PIL के नाम पर ये बिल्कुल गंदा खेल चल रहा है साथियों। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि छात्रों के हक में फैसला नहीं होगा, फिर भी हम एक पिटिशनर होने के नाते हम ये गुजारिश करेंगे माननीय उच्च न्यायालय से कि छात्रों के हित में फैसला करें, ताकि कुछ भी चीज़ें हैं जो सरकार के संदर्भ में बिल्कुल अलग उलट की जाएगी। फिर मिलेंगे अगले अपडेट के लिए। हम लोग की अगली सुनवाई जो होगी 28 तारीख को होगी, उस दिन हम लोग देखेंगे क्या फैसला होता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।